हेलो स्टूडेंट्स, आज अपन इकोनॉमिक्स का एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट टॉपिक पढ़ने वाले हैं. दिस इज थ्योरी ऑफ रेंट. तो ये ग्रेजुएशन स्टैंडर्ड का बेसिकली टॉपिक है. थ्योरी ऑफ रेंट जो बेसिकली दी थी वो दी थी डेविड रिकॉर्डो ने, इसलिए इसको रिकॉर्डन थ्योरी ऑफ रेंट भी कहा जाता है. तो इस चैप्टर में अपन इसमें देखेंगे कि इसने कहा कि व्हाई रेंट अकर्स, क्योंकि रिकॉर्डो ने इसकी डेफिनेशन जो दी थी वो अपने तरीके से दी थी कि हाँ भाई रेंट क्यों अकर होता है, रेंट क्यों अकर होता है. उसमें अपन देखेंगे कि उन्होंने कहा कि हाँ भाई नो रेंट लैंड भी होती है, कि रेंट तभी होगा जब उससे नीचे कोई लैंड होगी. सबसे नीचे वाली लैंड का रेंट होगा ही नहीं, उससे ऊपर कोई लैंड होगी तो उसी पे रेंट होगा. तो ये सब चीजें भी अपन इसमें देखेंगे. फिर इन्होंने अपनी थ्योरी में दो फंडामेंटल दिए थे, रेंट अंडर एक्सटेंसिव कल्टिवेशन एंड रेंट अंडर इंटेंसिव कल्टिवेशन. इसको अपन डायग्राम की हेल्प से जो है आगे समझेंगे. देन रिकॉर्डो ने जो थ्योरी दी उसमें कुछ कमियां थी, क्योंकि उन्होंने कहा नो रेंट लैंड, जबकि आज के जमाने में हम ये जानते हैं कि ऐसी तो कोई लैंड है ही नहीं. चाहे बंजर जमीन भी है लेकिन वहां कम से कम सोलर पैनल तो लग सकते हैं, तो किराया तो उसका भी हो सकता है. पर रिकॉर्डो के टाइम पर ऐसा नहीं था, इसलिए रिकॉर्डो ने ऐसी थ्योरी दी. तो रिकॉर्डो की थ्योरी की क्रिटिसिज्म हम पढ़ेंगे कि उसकी थ्योरी में क्या क्या कमियां थी. देखो, कोई भी थ्योरी जब बनती है तो उसका प्लस और माइनस दोनों होता है. तो पहले तो हम उसकी थ्योरी पढ़ेंगे, उसका प्लस पढ़ेंगे, और देन उसका माइनस क्या, अभी क्रिटिसिज्म क्या है उसकी, और देन उसके बाद उसकी क्रिटिसिज्म से जो चीज डेवलप हुई उससे बनाई गई मॉडर्न थ्योरी ऑफ रेंट. कि सर ये तो पुरानी थ्योरी थी, क्योंकि रिकॉर्डो तो क्लासिकल इकोनॉमिस्ट थे, तो उन्होंने जो थ्योरी दी उसकी क्या कमियां रही, उसके कारण से फिर हमने एक नई थ्योरी बनाई वो मॉडर्न थ्योरी ऑफ रेंट कहल. और देन आएगा इन दोनों का डिफरेंस कि भाई इन दोनों थ्योरीज के अंदर भाई मॉडर्न थ्योरी ने ऐसा क्या डेवलप किया कि वो रिकॉर्डो की थ्योरी से आगे निकली. तो इन दोनों का जो डिफरेंस है वो भी आप देखेंगे. तो बहुत ही इंटरेस्टिंग और काफी बड़ा टॉपिक है कि यहाँ पे रिकॉर्डो की थ्योरी क्या थी, मॉडर्न थ्योरी क्या थी और उनका डिफरेंस क्या था. तो ये तो मैंने थोड़ा सा अप्रोच आपको दिया है. अब चैप्टर के अंदर अपन चलते हैं और नोट सेक्शन से इसको बहुत डीपली डिस्कस करते हैं. तो चलिए आगे नोट्स में चलते हैं.